इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा। आज इस वीडियो में हम किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। कमलेश एक समचतुर्भुज शीशे बनाने की फैक्ट्री में काम करता है। वो शीशे के पीछे गुलाबी रंग का पेंट करना चाहता है। यदि शीशे के विकर्णों की लंबाई D1 और D2 हैं, तो क्या आप उसे बता सकते हैं कि शीशे के कितने हिस्से पर पेंट करना होगा? कमलेश ने शीर्ष A को C तथा B को D से जोड़कर प्रतिच्छेद बिंदु को O कहा, जिससे विकर्ण AC तथा BD प्राप्त होते हैं। तो क्या आपको समचतुर्भुज के विकर्णों की विशेषताएं पता हैं? बिल्कुल सही। विकर्ण AC और BD एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। आइए इन्हें कुछ इस प्रकार लिखें। AC BD पर लंब है तथा AO व CO और BO व DO बराबर हैं। प्रश्न में यह बताया गया है कि AC और BD की लंबाई क्रमशः D1 और D2 हैं। इस स्थिति में कमलेश शीशे के उतने हिस्से पर पेंट करेगा जितना शीशे का क्षेत्रफल है। परंतु कमलेश को समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र नहीं पता। जैसा कि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज ABCD चार सर्वांगसम त्रिभुजों AOB, COB, AOD और COD के संयोजन से बना है। इसलिए समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल त्रिभुजों AOB, COB, COD और AOD के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है। चूंकि ये चार त्रिभुज सर्वांगसम है, अतः त्रिभुजों AOB, COB, COD और AOD का क्षेत्रफल बराबर होगा। समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल चार और त्रिभुज AOB के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। आइए अब त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज AOB के लिए आधार AO तथा ऊंचाई BO है, अतः त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल आधा गुना AO की लंबाई गुना BO की लंबाई है। अब सवाल यह है कि AO और BO की लंबाई D1 और D2 के संदर्भ में कैसे लिखेंगे? जैसा कि हम जानते हैं कि AO और CO बराबर लंबाई के हैं तथा AO जमा CO विकर्ण AC यानी D1 है, अतः AO की लंबाई D1/2 होगी। इसी प्रकार BO की लंबाई BD की लंबाई की आधी यानी D2/2 होगी। AO तथा BO का मान त्रिभुज AOB के क्षेत्रफल के सूत्र में प्रतिस्थापित करते हुए त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल D1 गुणा D2 / 8 मिलता है। तो क्या अब आप समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि ABCD का क्षेत्रफल त्रिभुज AOB के क्षेत्रफल का 4 गुना है। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल उपयोग करते हुए अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल
उसके विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। अतः कमलेश शीशे के उतने हिस्से पर पेंट करेगा जितना शीशे का क्षेत्रफल है। आज इस वीडियो में हमने सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा। अगली वीडियो में हम इस पर आधारित उदाहरण देखेंगे।